हाय, आज हम जेनेटिक एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ली हुई है। और इसके लिए मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊँगा। फिर मैं आऊँगा कि कैसे जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज़ किया जाएगा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरेट करने के लिए। और फाइनली फिर अब इस ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को अपन जेनेटिक एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये इसमें जो सेल्समैन है, सेल्समैन को कुछ दिए गई कुछ नंबर ऑफ़ सिटीज़ दी जाएंगी। उस सेल्समैन को उस नंबर ऑफ़ सिटीज़ को इन सच अ वे विजिट करना है कि जो कॉस्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं उन सारी सिटीज़ को विजिट करने के लिए वो कम से कम होना चाहिए। इट मीन्स वी कैन से दैट इट्स अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, लाइक जो सेल्समैन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी हो सकती है, या वो जो टाइम स्पेंड कर रहा है उन सारी सिटीज़ को विजिट करने के लिए, या फिर वो जो अमाउंट ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहा है उन सारी सिटीज़ को विजिट करने के लिए, अदर रिसोर्सेज जो भी वो स्पेंड कर रहा है इन सारी सिटीज़ को विजिट करने के लिए, वो सारी चीज़ कंसिडर की जा सकती हैं कॉस्ट के लिए। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिमेट्रिक, दूसरी है एसिमेट्रिक। प्रायः हमने देखा है सिमेट्रिक ही यूज़ होती है। तो सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में ये है कि जो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए जो एक्सपेंसेस आती हैं, जो कॉस्ट आती हैं, वही एक्सपेंसेस वही कॉस्ट दूसरी सिटी से पहली सिटी पर वापस आने के लिए आएंगे। इट मीन्स सेम वैल्यू होगी ए टू बी के लिए, तो बी टू ए के लिए भी वही वैल्यू होगी। लेकिन एसिमेट्रिक में ये कॉस्ट सेम नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे सिमेट्रिक टीएसपी ही यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम ली हुई है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आप देख रहे हैं यहाँ कुछ फोर नंबर ऑफ़ सिटीज़ दी गई हैं। हर एक सिटी के लिए हमने एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए जो डिस्टेंस है, जो मैंने यहाँ किलोमीटर में लिया हुआ है, वो डिस्टेंसेस लिखी हुई हैं। सारी डायगोनल वैल्यूज़ जीरो हैं, वो इसलिए क्योंकि सेल्फ सिटी पर विजिट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं आएगी। और एक सिटी से दूसरी सिटी लाइक मंडीदीप पे जाने के लिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस, इसी तरीके से इंदौर जाने के लिए 190 एंड उज्जैन जाने के लिए 205 किलोमीटर, इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज़ ली हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायगोनल के ऊपर की सारी वैल्यूज़ ली गई हैं लेकिन नीचे की सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी गई हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूज़ की है, क्योंकि जो डिस्टेंस भोपाल से मंडीदीप की वही डिस्टेंस मंडीदीप से भोपाल की होगी, इसलिए मैंने बाकी की वैल्यूज़ यहाँ नहीं लिखी हुई हैं। अब मैटर आता है कि आखिर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जब सोल्यूशन हम जनरेट करेंगे तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिससे सेल्समैन सारी सिटीज़ को विजिट करे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सिटीज़ पे। द फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ सिटीज़ दैट इज़ नोन एज दी टोटल पॉसिबल सोल्यूशन थ्रू विच अ सेल्समैन कैन विजिट ऑल दी सिटीज़। तो जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे फोर सिटीज़ हैं, तो दैट्स वाई फोर का फैक्टोरियल 24। इट मीन्स 24 पॉसिबल वेज से जो सेल्समैन है वो सारी सिटीज़ को विजिट कर सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज दैट अगर हमारा सेल्समैन सिटी वन पे है, तो दैट्स वाई ही हैज़ रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शन कि आइदर ही कैन गो थ्रू विद द सिटी टू और सिटी थ्री और सिटी फोर, एनी वन, किसी में भी जा सकता है। अगर वो सिटी टू को विजिट करता है तो वन एंड टू यानी दो सिटीज़ ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन है कि थर्ड सिटी या फोर्थ सिटी। सिमिलरली अगर वो थर्ड सिटी पे विजिट करता है, इन दिस वे अगर वो आगे बढ़ता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है सिटी फोर। तो बाई दिस वे जो सेल्समैन है वो सारी सिटीज़ को विजिट करेगा वन बाई वन। इसके लिए अपन यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो एक छोटा सा लिटिल इंट्रोडक्शन अगर मैं जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में बताऊँ, तो जेनेटिक एल्गोरिथम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस जनरेट करती है, और जो कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाई नेचुरल सेलेक्शन पे बेस्ड है। और ये डार्विन के सिद्धांत को फॉलो करती है जिसके हिसाब से सर्वाइवर और फिटेस्ट, यानी कि जो पेरेंट ज़्यादा फिट होगा वही रिप्रोडक्शन करेगा। प्रॉब्लम अभी हमारे पास में कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए, यानी कि हमने देखा कि प्रीवियस एग्जांपल में कि फोर सिटीज़ थी तो 24 पॉसिबल वेज थे जिसके थ्रू सेल्समैन सारी सिटीज़ को विजिट कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो है हमारा क्या कि इनकोडिंग करना, यानी जो हमारा सॉल्यूशन स्पेस है उसको हमको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना, ये काम कहलाता है इनकोडिंग का। तो दैट्स वाई सबसे पहली चीज़ होगा, पहला स्टेप हम जो कवर करेंगे यहाँ इनकोडिंग का कवर करेंगे। तो अभी इस एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको कि जो नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं वो पाँच हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ सिटी फाइव हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने ये फाइव वन सिंगल क्रोमोजोम में फाइव जीन्स ली हुई हैं,
तो हो सकता है कि सेल्समैन पहली सिटी को पहले विजिट करे, फिर दूसरी सिटी, फिर फोर्थ सिटी, देन फिफ्थ सिटी, देन थर्ड सिटी, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। या फिर दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि सेकंड सिटी को पहले विजिट करे, देन थर्ड सिटी, देन फर्स्ट सिटी, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। इसी तरीके से टोटल 5 का फैक्टोरियल, इट मीन्स 120 वेज हैं जिसके थ्रू वो सेल्समैन सारी सिटीज़ को विजिट कर सकता, कोई भी पैटर्न हो सकता। तो ईच इंडिविजुअल जो पाथ है, जो टूर है, वो हमारा जो है वो क्रोमोसोम कहलाता है। और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो इंडिविजुअल पार्ट है, यानी इंडिविजुअल जो सिटी है, उसको हम जीन से रिप्रेजेंट करेंगे, जेनेटिक की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। और जो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस है, यानी सारे सॉल्यूशंस का कलेक्शन है, उसको हम यहाँ पॉपुलेशन कहेंगे। अब ठीक है, हमारे पास में पाथ आ गया, सिटीज़ आ गई, टूर आ गए, लेकिन हमारा जो एम है ओवरऑल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्टेंस के ही बेस पे हम कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ जो सेकंड स्टेप हमारे पास में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, वो होगा कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका सेम कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, वही मैंने इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज़ किया है। ये ग्राफ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो सिटी ली गई हैं, सिटी ए और सिटी बी। सिटी ए और सिटी बी एक्स वाई प्लेन पे अपने कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी सिटी ए जो है वो एक्स पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और वाई भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.42 है, वाई की भी वैल्यू 0.42 ही है। तो यहाँ पे ये एक्स वन वाई वन पॉइंट हो गया, और जो सिटी बी का पॉइंट है वो एक्स टू वाई टू पॉइंट है। तो अगर हमें सिटी ए से सिटी बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है ए से बी के लिए, तो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड वाई स्क्वायर इज़ द अनदर पॉइंट। एक्चुअल में अब चूंकि हमारी ये एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट है और ये एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट है, तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया कि दिस इज़ अ एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी 0.037, दैट इज़ दी डिस्टेंस इन बिटवीन सिटी वन टू सिटी ए टू सिटी बी। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आते हैं कि जब मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करूँगा जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ करके, तो हमें जेनेटिक एल्गोरिथम में कुछ इनिशियलाइजेशंस करने पड़ते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया हुआ है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि पॉपुलेशन की साइज़ क्या है। पॉपुलेशन की साइज़ नॉर्मली हम कम से कम रखते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमारी जो जेनेटिक एल्गोरिथम की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे, अच्छा, इस प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ कि जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है वहाँ पे 20 सिटीज़ ली हुई हैं। एक्चुअल में 20 सिटीज़ का मैंने मुझे रूट फाइंड आउट करना है कि सेल्समैन किस पर्टिकुलर रूट को फॉलो करे कि वो डिस्टेंस कम से कम हो। तो सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ हमारे यहाँ 20 हैं इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे इस सोल्यूशन में जो मैं जनरेट करूँगा। तो पॉपुलेशन साइज़ भी मैंने यहाँ पे 20 ही लिया हुआ है। क्रोमोसोम की साइज़, ईच क्रोमोसोम विल कंसिस्ट इंडिविजुअल जो जीन्स होंगे उसमें एक सिटी का नंबर होगा। तो यहाँ पे टोटल सिटी, जैसे मैंने अभी कहा कि 20 सिटी लिया हुआ है। म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी 5% है। क्रॉस ओवर प्रॉबिलिटी हमने नहीं कवर की है, यहाँ नहीं ली हुई है। सेलेक्शन ऑपरेटर जो यूज़ किया है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, रॉलेट व्हील ऑपरेटर यूज़ किया है। और क्रॉस ओवर ऑपरेटर यहाँ पे सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर है। म्यूटेशन ऑपरेटर हमारा यहाँ पे फ्लिप है। एक्चुअली फ्लिप बिट तो मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे स्वैपिंग यूज़ करूँगा। जो फ्लिपिंग है वो यूज़ होती है कि जब हमारी बाइनरी इनकोडिंग हो, बाइनरी इनकोडिंग में वन और जीरो होता है, तो वन फ्लिप होके जीरो हो जाता है, जीरो फ्लिप होके वन हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर एक जीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल सिटी को होल्ड किए हैं, ना कि एक बाइनरी वैल्यू को, तो दैट्स वाई क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग होगी। टू सिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनकी आपस में स्वैपिंग होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वैप बिट लिख रखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने कहा आपसे कि पॉपुलेशन का जनरेशन है, तो जो पॉपुलेशन जनरेशन है उसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ है मेरे कोड में। इस फंक्शन में आप देख रहे हो इसका नाम है जनरेट फर्स्ट पॉपुलेशन। ये हमारा पॉपुलेशन जनरेट करने काम करेगा, जैसा कि यहाँ पे पॉपुलेशन आपके सामने जनरेट हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 20 नहीं लिया, वो यहाँ छोटा मैंने ले रखा है, जिससे मैं आपको उसको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है वो है जनरेट पॉसिबल पाथ। आखिर ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन का काम ये है कि अगर हमने 20 सिटीज़ ली हुई हैं, तो ये फंक्शन सबसे पहले तो क्या करेगा, 1 से 20 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और जो भी रैंडम नंबर आएगा वो इंडिविजुअल जीन्स के प्लेस पे लिखता जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 आया, यहाँ 15 आया, 9 है, 8 है, 6 है, 2 है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, चूंकि रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं तो 12 टू टाइम्स आ जाए। तो दैट्स वे इस फंक्शन का एक और टास्क है कि ये चेक करना कि अगर कोई ऑलरेडी नंबर जनरेट हो चुका है, इट मीन्स वो ऑलरेडी जीन्स में आ चुका है, तो दोबारा अगर वो नंबर आता है तो उसको
हटा देना और उसकी जगह पे कोई नई वैल्यू यहाँ पे ले लेना, एक नया रैंडम नंबर जनरेट कर लेना। तो इस प्रकार से इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में ये कुछ पॉपुलेशन आपकी जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 4 क्रोमोसोम जनरेट किए हैं पॉपुलेशन के अंतर्गत, और यहाँ पे जो मैंने क्रोमोसोम की जो सोल्यूशन की साइज ली है वो 6 ली हुई है केवल एग्जाम्पल के लिए। फिर जो सेकंड स्टेप है वो है फिटनेस कैलकुलेशन। अब पॉपुलेशन जनरेट हो गई, मैं कई बार कहा मैंने आपसे कि जो फिटेस्ट पेरेंट होगा वही आगे रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिटनेस कैलकुलेशन। तो जब हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात करें तो पहले हम सोचें कि आखिर कैसे हम ये कहेंगे कि कोई सोल्यूशन ज़्यादा फिट है। तो ओवरऑल एम क्या था सेल्समैन का, कि जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है सारी सिटीज़ को विजिट करने पर वो कम से कम होनी चाहिए। तो अगर हम क्या करें, जो हमारा सोल्यूशन स्पेस है जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें हम हर एक सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे 12 नंबर सिटी से 15 नंबर सिटी पे जाने की जो डिस्टेंस है, फिर 15 से 9 पे जाने की जो डिस्टेंस है, फिर 9 से 8 की, फिर 8 से 6 की, और 6 से सेकेंड नंबर वाली सिटीज़ पर जाने की डिस्टेंस, अगर हम सारी डिस्टेंस निकाल के इनको ऐड कर लें तो हमको उससे उसकी फिटनेस वैल्यू मिल जाएगी कि क्या फिटनेस वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से मैंने सेकंड क्रोमोसोम का भी किया, उससे फिटनेस वैल्यू आ गई। तो ये जो फिटनेस फंक्शन है उसका ये काम है। तो ये फिटनेस फंक्शन वही स्क्वायर रूट फंक्शन है जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाया हुआ था कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वही स्क्वायर रूट फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अब ये आता है कैलकुलेट डिस्टेंस फंक्शन, एक यहाँ पे आप अलग से देख रहे हो। आखिर इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये तो चलो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, इसका काम ये है कि एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने का काम, फिर दूसरी सिटी से तीसरी सिटी इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम। ये सारी कैलकुलेशन इस कैलकुलेट डिस्टेंस फंक्शन के अंदर होंगे। इस प्रकार से इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में हमारे पास में ये सारी की सारी फिटनेस वैल्यू आ जाएंगी। हर एक सोल्यूशन के लिए जो फिटनेस वैल्यू जनरेट हो रही है वो यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, सॉरी एक एरे बना हुआ है, 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें स्टोर होती जा रही है। एक्चुअली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हर एक जितने भी हमारे सोल्यूशन स्पेस होंगे, जितने भी सोल्यूशंस होंगे, जितने भी क्रोमोज होंगे, उन सब के फिटनेस वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है कि चलिए हमने पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सारे जितने भी इंडिविजुअल सोल्यूशन थे सबकी हमने फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आता है सेलेक्शन। तो हमको सेलेक्ट करना है कि किन दो पेरेंट्स का आपस में मीटिंग होगी जिससे कि उनका रिप्रोडक्शन हो और नया चाइल्ड जनरेट हो। तो हमने जो ये सिलेक्शन ऑपरेटर यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है रॉलेट व्हील सिलेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इस रॉलेट व्हील सिलेक्शन में क्या करेंगे हम कि हमारा काम है बेस्ट टू पेरेंट्स को फाइंड आउट करना। तो इस तरीके से हमने पहला क्रिएट पेरेंट 1, जो पेरेंट 1 है आपका आ जाएगा, पेरेंट 2 हम क्रिएट कर देंगे। इन दोनों पेरेंट के बीच में आपस में हम मेटिंग टास्क परफॉर्म करेंगे, ये सिलेक्शन ऑपरेटर के थ्रू कैलकुलेट होकर आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो टॉप 2 थे हमारे, जो बेस्ट पेरेंट थे, उन दोनों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। जब आता है नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद में अब अगली टास्क क्या होगी, वो है क्रॉस ओवर ऑपरेशन। तो क्रॉस ओवर ऑपरेशन में क्या होता है, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि इस पूरे के पूरे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैं ब्रीफली आपसे जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे जाऊंगा तब भी डिस्कशन करूंगा। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का काम क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो कि चाइल्ड 1 क्रिएट कर रहा है और चाइल्ड 2 क्रिएट कर रहा है। तो जब दो पेरेंट लेते हैं तो उनसे दो ऑफस्प्रिंग बनते हैं। एक्चुअल में जो पहली ऑफस्प्रिंग है वो चाइल्ड 1 कहलाएगी, दूसरी ऑफस्प्रिंग हमारी चाइल्ड 2 कहलाएगी। इनका काम क्या है कि एक तो सबसे पहला काम कि वो पर्टिकुलर पॉइंट निकालना जहाँ से हमको क्रॉसिंग करवानी है। तो ये जो लाइन है आपने, इसने क्या कर रहा है, 0 से लेकर पॉपुलेशन साइज़ -1। तो हमारी पॉपुलेशन साइज़ हमने वही ले रखी थी जो सिटी की साइज़ ले रखी है। तो नॉर्मली ये देखा जाए तो 0 से लेकर जो 20 हमारी अगर सिटी की साइज़ देखा जाए तो 1 माइनस कर दो तो आप 19 हो गई। तो दैट्स वाई 0 से 19 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। जो भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपका पॉपुलेशन है वो चाइल्ड 1 पे जा रहा है। जो देखिए हमारे पास में दो पेरेंट थे तो इस पॉइंट से जो यहाँ की वैल्यू है ये स्टोर हो रही है इसमें चाइल्ड 1 पे, और जो इसकी भी वैल्यू है वो भी स्टोर हो रही है आपकी चाइल्ड 2 पे। तो क्या हुआ यहाँ से, ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन कहाँ से है, पेरेंट 1 ऑक्सिलरी। पेरेंट 1 ऑक्सिलरी में हमने क्या स्टोर किया था, पेरेंट 1 की सारी वैल्यूज स्टोर की हुई थी। तो दैट्स वाई पेरेंट 1 हमारा ये था। पेरेंट 2 ऑक्सिलरी में हमने क्या पुटअप किया था, पेरेंट 2 को पुटअप किया था। तो दैट्स वाई चाइल्ड 1 में ये एज इट इज़ कॉपी हो गया और चाइल्ड 2 में ये एज इट इज़ कॉपी हो गया। अब ये जो पॉइंट है जो हमने रैंडम पॉइंट यहाँ से जनरेट किया था, इस पॉइंट के बाद में हमारी क्रॉस ओवर ऑपरेशन चालू होगा।
तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो चाइल्ड वन का वो पॉइंट था, चाइल्ड वन का वो पॉइंट मतलब ये रैंडम इंडेक्स जो क्रोमोसोम हमारे पास आया था वो ये पॉइंट आया था। तो यहाँ की जो वैल्यू है 6 को वो हमने ऑक्सिलरी वन में पुट कर दिया और जो 14 था उसको हमने ऑक्सिलरी टू में पुट कर दिया। अब यही सेम वैल्यू हमने क्या किया, चाइल्ड वन के इस पोजीशन पे, यानी ये जो चाइल्ड है और ये चाइल्ड टू है, इस पोजीशन पे हमने कौन सी वैल्यू पुट अप कर दी, जो जो सेकंड वाली वैल्यू ऑक्सिलरी टू थी वो हमने पुट कहाँ कर दी, चाइल्ड वन पे। तो यानी 14 यहाँ आ गया और जो 6 था वो नीचे आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 2 था वो नीचे चला गया, चाइल्ड 2 में चला गया। जो 11 था पेरेंट 1 में, पेरेंट 2 में था, वो हमारा पेरेंट 1 में की पोजीशन पे चला गया। तो इस तरीके से क्रॉस ओवर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। देन म्यूटेशन ऑपरेटर, म्यूटेशन ऑपरेटर का काम क्या है कि किसी भी रैंडम एक सिंगल जीन्स की वैल्यू को स्वैप कर देना, बदल देना, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को इस पोजीशन की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया गया है। हमने बात की थी कि जो म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी है वो है 5%। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो दो लाइन लिखी हुई हैं वो इस बात को ध्यान देंगे कि हमारी 5% ही म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी फॉलो हो। अब बात आती है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन ढूंढी कैसे गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने पहला इंडेक्स निकाला जिसमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट हुई 0 से 19, चूंकि हम यहाँ पे 20 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पॉपुलेशन साइज़ वहाँ 20 ले रखी थी। तो समझिए, एक जनरल आइडिया लीजिए कि एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ। सपोज दैट पहला रैंडम नंबर ये वाला जनरेट हुआ, ये वाली पोजीशन जनरेट हुई। दूसरा जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ जो इंडेक्स 2 है वो ये वाली पोजीशन जनरेट हुई। अब हमने क्या किया, इन ये हमारी मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स की जो इंडेक्स 1 वाली पोजीशन थी उसको हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और जो हमारे इंडेक्स 2 वाली वैल्यू थी 14 इसको हमने सेकंड टेम्परेरी वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। अब सेम मैट्रिक्स पे, सेम पोजीशंस पे हमने इनकी वैल्यू को स्वैप मार दिया। तो यहाँ पे हमने पहली पोजीशन पे दूसरी वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया और दूसरी पोजीशन पे पहली वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से 14 यहाँ आ गया और 15 यहाँ चला गया। ये सिंपल स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नाउ इट्स ऑल अबाउट जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, वो मैं आपको थोड़ा और ब्रीफली वहाँ वाइल इम्प्लीमेंटेशन भी बता दूंगा, सारी प्रोसेस को एक बार फिर से बताऊंगा। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है जेनेटिक एल्गोरिथम की ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान, तो कहाँ डेविएट होती है या किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो रोल है वो है पॉपुलेशन की साइज़ का। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की साइज़ हम रखेंगे उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस वीक होती जाएगी हमारी। तो पहला बेस तो ये हो गया। दूसरा जो मेथड आता है कि जो सिलेक्शन हमने किया, सेकंड स्टेप जो फॉलो किया था सिलेक्शन, वो रैंडम किया हुआ है कि ह्यूरिस्टिक सर्च के थ्रू किया हुआ है। तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी चेंज हो जाती है तो उस बेस पे भी परफॉर्मेंस चेंज होगी। देन जो नेक्स्ट है वो है ये जो तीन ऑपरेटर हमने यूज़ किए वो है सिलेक्शन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, कितने परसेंट चेंजेस हमें करना था और कितनी बार चेंज करना था, उस पर भी डिपेंड करती है परफॉर्मेंस। फिर ओवरऑल जो मैटर है वो है टर्मिनेशन कंडीशन का। अब हमने इटरेशन कितनी बार चलाए, 500 टाइम्स में हमारा रिजल्ट बेटर आ गया कि 1000 टाइम में बेटर आया कि 10000 टाइम में आया। इट मीन्स अंटिल आई एम नॉट गोइंग टू गेट दी ऑप्टिमल सोल्यूशन, तब तक हमें इटरेशन चलाने पड़ेंगे, प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, बार बार सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो दैट्स वाई ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। इस प्रेजेंटेशन को कवर करने के लिए मैंने ये दो रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। तो इन रेफरेंसेस पर और अगर आपको डिटेल वे पे जाना है तो आप इन रेफरेंसेस को जाके फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको और बाकी की डिटेल भी मिल जाएगी। अब हम अपने प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलेंगे और यही ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को जेनेटिक एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, अपन अपना एनाकोंडा स्टार्ट कर लीजिए और उसमें अब आप कोडिंग पार्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं जुपिटर यूज़ करूँगा जिससे कि मैं आपको हर एक फंक्शन को क्लियरली बता सकूँ। तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम अपने नेसेसरी जो पैकेज हैं उनको इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि रैंडम। रैंडम का यूज़ हमें इसलिए करना है क्योंकि हम जो पॉपुलेशन जनरेट करेंगे वो रैंडमली जनरेट करेंगे। दूसरा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम क्रॉस ओवर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें कॉपी फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। मैथ पैकेज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हम फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पे मैथ ऑपरेटर की हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड फाइनली
हमें जो हमारा रिजल्ट जनरेट होगा उसको हमें जनरेट करके आपको प्लॉट के माध्यम से दिखाना है, तो दैट्स वाई मैट प्लॉट लिप का भी यूज़ करेंगे अपन। चलिए देखते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर हों। ओके नेक्स्ट, अब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टाइप की हुई है, इसलिए मैंने इनको यहाँ डायरेक्टली ले लिया जिससे टाइम सेविंग भी हो। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन मैंने पॉपुलेशन की साइज़ ली है वो है 20, नंबर ऑफ़ सिटीज़ भी 20 हैं। टूर की साइज़ 21 इसलिए है क्योंकि चूँकि जब सेल्समैन सारी सिटीज़ विजिट कर लेगा तो लास्ट सिटी से वो पहली सिटी पर भी वापस आएगा, इसलिए जो हमारा टोटल टूर है वो 21 है यहाँ पर सिटीज़ की साइज़ से एक ज़्यादा। देन नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन यहाँ पे हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन इट मीन्स जो इट्रेशन है वो 4 टाइम 9 चलेगा। देन पॉपुलेशन जो इनिशियल पॉपुलेशन है के लिए हमने एक एरे बना लिया एक्स और वाई, तो हमारे कोऑर्डिनेट पोजीशन के लिए हमने दो अलग से एरे बना रखे हैं। ये इनका काम क्या होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएंगे कि जो हमारी सिटी वन है वो किस कोऑर्डिनेट पे है, सिटी टू किस कोऑर्डिनेट पे है, उसके लिए सारा चीज़ हमने यहाँ बना रखा है। अब हम चलते रन करके देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है। ओके फाइन, देर इज़ नो एरर। अब हमारा काम होगा कि ये जो एरे हमने बनाए हैं इनकी सारी वैल्यूज़ को, इनिशियल वैल्यूज़ को, जब तक कि हम इसमें कोई टूर नहीं लेते हैं तब तक हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टूर है ये टूर किसके लिए यूज़ किया है, मैंने आपको पहले बताया कि सेल्समैन जिस सिटी से स्टार्ट करेगा बाकी आगे की सारी सिटीज़ को विज़िट करते हुए वापस पहली सिटी पे वापस आ जाएगा, तो ये जो है वो टूर कहलाएगा। और ये टूर कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी एरे में स्टोर करेंगे, तो इसकी सारी वैल्यूज़ को, इनिशियल वैल्यू को हम पहले ज़ीरो पे सेट कर रहे हैं। ये जो है हमारा ये जो एरे है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम क्या होगा, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है फिर दूसरी से तीसरी, इट मीन जो ओवरऑल टूर की डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टोर होगा। यानी इट मीन्स एवरी जो सोल्यूशन एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम की जो फिटनेस वैल्यू है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टोर होगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस। इस डिस्टेंस फंक्शन का काम क्या है, डिस्टेंस एरे का काम क्या होगा कि हर एक सोल्यूशन में जो जो ओवरऑल डिस्टेंस है एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी से तीसरी सिटी की, वो डिस्टेंस एरे में स्टोर होगी। उसकी भी इनिशियल वैल्यू को हमने ज़ीरो कर दिया हुआ है। अभी हमारा पेरेंट वन और पेरेंट टू इट मीन जो मेटिंग के लिए हम बेस्ट पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो अभी कोई भी पेरेंट नहीं सेलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए वो इनिशियल वैल्यू नन है। एंड कॉस्ट बाय एग्जीक्यूशन, इसका काम एक्चुअल में जब हम प्लॉटिंग करेंगे और प्लॉट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर जो हमारी वैल्यूज़ में चेंजेस हैं वो किस हिसाब से हो रहे हैं, वहाँ पे मुझे इसका यूज़ पड़ेगा। तो इनिशियल मैंने अभी इसको एक एरे बनाकर रख दिया है, इसका यूज़ अपन बाद में करेंगे। इसको रट करके अपन देख लेते हैं। ओके इट्स नाइस। ओके नाउ जो हमारा नेक्स्ट टास्क है तो नेक्स्ट टास्क होगा कि हम अब पॉपुलेशन जनरेट करते हैं। पॉपुलेशन जनरेट करने के लिए मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है तो वही जो मैंने फंक्शन आपसे डिस्कशन किया हुआ था कि जनरेट फर्स्ट पॉपुलेशन, और यहाँ पे जो जनरेट पॉसिबल पाथ है जो सारे एक सिटी से दूसरी सिटी का जो पाथ है पूरा सोल्यूशन जनरेट होगा इस फंक्शन के थ्रू होगा। तो अब हम इसको अब इसके कोड लिखना चालू करेंगे, तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं। ओके ओके सो आवर नेक्स्ट टास्क इज़
ओके सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि जनरेट पॉसिबल पाथ, मैंने आपसे कहा था इसका काम क्या है कि हर एक सॉल्यूशन स्पेस में, जैसे कि अगर 20 सिटीज़ का एक क्रोमोसोम है तो 20 सिटीज़ का जो रैंडम सिटीज़ आ रही हैं वो वैल्यू कैसे फिल होंगी, कि सबसे पहला काम तो होगा एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी 1 से 20 के बीच में। ये जो रैंडम वैल्यू है वो चेक होगी कि कहीं वो रैंडम वैल्यू पहले से तो नहीं है हमारे सॉल्यूशन स्पेस में क्रोमोसोम में। अगर पहले से है नंबर एग्जिस्ट इन पाथ, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो रैंडम नंबर पाथ में ऐड हो जाएगा। तो सपोज दैट पहली सिटी आ गई 1, वो ऐड हो गई पाथ में, फिर वापस जाके ये फिर से नंबर जनरेट होगा, रैंडम नंबर जनरेट होगा, फिर चेक होगा कि कहीं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर 1 ऑलरेडी फिर से रैंडम नंबर आ जाता है तो फिर एक नया रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, हो सकता है 2 आ जाए, ये 2 जाके वापस जाके पाथ में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि पूरे ऑल वैल्यूज़ एक सिंगल क्रोमोसोम में, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम में 20 सिटीज़ हैं तो 20 रैंडम वैल्यूज़ नहीं आ जाती हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो जो आपकी पाथ है, वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी एक पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगी। इट मीन्स पहला क्रोमोसोम पॉपुलेशन में ऐड हो गया, इसी तरीके से फिर दूसरा ऐड हो जाएगा, और हमने टोटल 20 पॉपुलेशन साइज ले रखी है तो दैट्स वाई 20 टाइम्स ये प्रक्रिया रिपीट होगी। और जो ओवरऑल 20 क्रोमोसोम्स हैं एक सिंगल पॉपुलेशन में, जो 20 सॉल्यूशन स्पेस हैं, वो सारे जनरेट हो जाएंगे। ओके सो लेट्स रन दिस एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो हम देखते हैं, येस ऑफ कोर्स देर इज़ नो एरर। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट वे के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक फंक्शन हमने कॉल किया है नंबर एग्जिस्ट इन पाथ, ये कैसे चेक हो रहा है कि आखिर कोई नंबर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके लिए कोडिंग करते हैं। ओके तो ये कोड मैंने यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमें चेकिंग करना है। तो आप देखिए इस फंक्शन में दो चीज़ पास की थी, एक तो मैंने पाथ यानी ऑलरेडी जो नंबर जनरेट हो चुके हैं वो पाथ में ऐड हो चुके होंगे, और फिर एक जो नया रैंडम नंबर जनरेट हुआ, ये दो वैल्यू हमने पास किए, दोनों वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमने चेक किया कि ये जो आई इन पाथ, इट मीन्स हमारी पाथ में जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगी, और जो ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ उससे मैच होंगी। अगर वो कहीं पर भी मैच कर जाती है तब तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू नई जनरेट हुई है वो पुरानी वैल्यू से मैच कर रही है, पाथ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, तो नया रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, इट मीन्स जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो ऑलरेडी पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा, और फॉल्स रिटर्न होगा तो जो हमारा प्रीवियस जो पहले ही हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है 1 से 20, वही हमारा पाथ में एड ऑन हो जाएगा। तो ये टास्क था हमारा नंबर एग्जिस्ट इन पाथ इसका। ओके सो जो नेक्स्ट फंक्शन है अब अपन देखें अगर, तो वो है कोऑर्डिनेट जनरेट करने का। पॉपुलेशन जनरेट हो गई, पॉपुलेशन जनरेट होने के बाद में अब हमारी बात होगी कि जो सिटीज़ जनरेट की है हमने उन सिटीज़ की पोजीशन भी देख लें एक ग्राफ में, एक्स और वाई प्लेन में, कि एक्स कोऑर्डिनेट में सिटी 1 का क्या प्लेस है, सिटी 2 का क्या प्लेस है, 3 का क्या प्लेस है। तो कोऑर्डिनेट्स जनरेट करने हैं, इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू जनरेट करनी होगी। तो लेट्स डू इट। तो ये कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं जैसे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जनरेट करना है, तो उसके लिए ये कोड है। तो पहले तो हमने ये एक्स के लिए है, ये पूरा पोर्शन जो है वो एक्स के लिए कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा, ये वाई के लिए वैल्यू जनरेट करेगा। तो दो एरे बनने वाले हैं। तो जो एरे है, चूँकि यहाँ पे आप ये एक जगह देख रहे हो अंडर स्कोर लगा हुआ है, तो जब हम इस वैल्यू को इग्नोर करते हैं, हमें इस वैल्यू को नहीं लेना है, तो भी हम यहाँ पर अंडर स्कोर लगा सकते हैं। जो रैंडम नंबर जनरेट होगा, चूँकि यहाँ पे हमने कोई कोई रेंज नहीं दी हुई है, तो 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होगा। इट मीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 से 1 के बीच में आएंगे। यहाँ पे रैंडम नंबर जो जनरेट होने के बाद में रैंडम नंबर नाम के वेरिएबल पे हम स्टोर कर रहे हैं, फिर हमने इसको राउंड ऑफ किया है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में दो वैल्यू कंसीडर करेंगे, और उसको हम एवरी टाइम हम अपेंड करते जा रहे हैं एक्स में। इट मींस जो हमारी टोटल सिटीज़ की साइज़ हैं, जैसे हमारी 20 सिटीज़ हैं, तो 20 टाइम्स ही कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी तरीके से 20 कोऑर्डिनेट वाई के लिए भी कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक सिंगल जो सॉल्यूशन था, जो क्रोमोसोम था, जिसमें एक जो सिंगल टूर था, टूर उसके लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ओके सो लेट्स रन इट। ओके इट्स फाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है टूर जनरेट करना। वो टूर ऐसा कि अभी तो हमने पॉपुलेशन बनाई, पॉपुलेशन में हर एक जो क्रोमोसोम है सिंगल इंडिविजुअल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्यूशन यानी जिसमें कि क्रोमोसोम में 20 सिटीज़ हैं, रैंडम वैल्यूज़ हैं हर एक की,
लेकिन टूर तो वो तभी कहलाएगा जब वो पहली सिटी से स्टार्ट करे, सारी सिटीज़ को विजिट करते हुए वापस पहली सिटी पे आ जाए। इट मीन्स जो लास्ट नोड होगा टूर का, वो हमेशा पहला नोड होगा, जो हमारी जो यू नो पॉपुलेशन, जो हमने सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें जो पहली सिटी है वही हमारी लास्ट सिटी भी होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे वो यू नो कॉपी करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहला क्या किया आपने, जो पॉपुलेशन है वो उठा के टूर पे कॉपी कर दी। इट मीन्स सारा जो 20 सिटीज़ की रैंडम वैल्यू जनरेट हुई थी वो सारी की सारी टूर में आ गई। इसके बाद हमने क्या किया कि एक बेस नाम का वेरिएबल लिया और उसमें जो पहली वैल्यू है वो हमने उसकी टूर की पहली वैल्यू हमने फर्स्ट नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दी, और इस फर्स्ट वेरिएबल को हमने लास्ट में अपेंड कर दिया। तो दैट्स वाई क्या हुआ, ऐसे में एक टूर जनरेट हो गया कि पहली सिटी से स्टार्ट किया और वापस सबसे लास्ट में पहली सिटी है, इट मीन्स वापस वो पहली सिटी पे पहुंच गया। तो इस तरीके से इस फंक्शन का काम क्या है, टूर को जनरेट करना। अब टूर को जनरेट करने के बाद में जो हमारे पास में अगली टास्क आती है वो आती है, ये टूर बन गया, यू नो सारे कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट कर ली, पॉपुलेशन जनरेट हो गए, सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हमारा काम क्या होगा कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना। डिस्टेंस कैलकुलेट इसलिए करना क्योंकि हमें फिटनेस फंक्शन भी यूज़ करना है। तो दैट्स वाई पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, फिर आगे का काम करते हैं, फिर हम फिटनेस फंक्शन भी कॉल कर लेंगे। तो दैट्स वाई अब मैं कोडिंग लिखने जा रहा हूँ डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि ये जो फर्स्ट पोजिशन वेरिएबल है इसका काम है किसी एक सिटी को होल्ड करना। तो सपोज दैट अगर मैं किन्हीं दो सिटी, एक सिटी वन है और दूसरी सिटी की डिस्टेंस बीच की मुझे निकालना है, तो दैट्स वाई। और हमारे सोल्यूशन में टोटल टूर में कितनी सिटीज़ होंगी, 20 होंगी सिटीज़ होंगी, पहले सिटी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पाँचवीं अप टू 20 सिटीज़ होंगी। और इवन दो टूर में तो 21 सिटीज़ होंगी क्योंकि पहली सिटी हम लास्ट में भी कॉपीड होगी। तो दैट्स वाई ये मैंने माना कि हमारी पहली सिटी है कोई, तो ये क्या होल्ड करेगा, पहली सिटी को होल्ड करेगा। सेकेंड पोजीशन वैल्यू जो होगी ये सेकेंड सिटी को होल्ड करेगा। अब हमें क्या करना है, इस पहली सिटी से दूसरी सिटी के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट निकालना है। इट मीन्स हमें उसको ऐड करना है, तभी तो हम ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ओवरऑल सॉल्यूशन की डिस्टेंस तब कैलकुलेट होगी जब हम पहली सिटी से दूसरी की डिस्टेंस, दूसरी से तीसरी की, तीसरी से चौथी की, इस तरीके से जब टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे वही हमारी फिटनेस वैल्यू में मानी जाएगी। तो दैट्स वाई ये पहली सिटी हुई को होल्ड करेगा, ये दूसरी सिटी को होल्ड करेगा। अब इन दोनों सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहाँ स्टोर है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टोर है। हालांकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अभी तक तो हमने केवल इनिशियलाइज किया था, सारी वैल्यूज़ को इसको जीरो किया, अभी इसमें कोई वैल्यू तो स्टोर हुई नहीं है, तो पहले हमको इसकी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो अभी हम इसके भी एक फंक्शन बना लेंगे, लेकिन ओवरऑल ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या स्टोर होगी, हर एक दो जो पेयर ऑफ सिटीज़ हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टोर्ड है। तो दैट्स वाई यहाँ पे पहली पोजीशन, यहाँ पे पहली सिटी हो गई, ये सेकंड सिटी हो गई, और ये जो एरे था हमारा टू डायमेंशनल उसमें जो यहाँ की वैल्यू होगी, इट मीन्स जो इन दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस होगी, उसको हमने राउंड अप कर दिया है अप टू 4 पोजीशन तक, और उसको हम हर बार डिस्टेंस में ऐड करते जाएंगे। तो इसी प्रकार से पहली से दूसरी सिटी की ऐड हो गई, डिस्टेंस में आ गई, फिर दूसरी से तीसरी सिटी की भी फिर से डिस्टेंस में ऐड हो जाएगी, फिर तीसरी से चौथी हो जाएगी, और अप टू जो 20 सिटीज़ हैं, जो ओवरऑल टूर है, उनकी सारी डिस्टेंस इसमें ऐड होकर स्टोर हो जाएगी। यानी डिस्टेंस जो एरे है हमारा वो क्या होल्ड कर रहा है, हर एक सोल्यूशन में जो टूर है उस टूर को विजिट करने के लिए सेल्समैन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, हर एक सिंगल सॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस इसमें स्टोर होती चली जाएगी। तो 20 सिटीज़ के लिए ओवरऑल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की वो यहाँ पे स्टोर है, और लास्ट में हमने उसको सॉर्टेड वे पे रिटर्न कर दिया। सॉर्टिंग इट मीन्स जिसकी डिस्टेंस आपकी सबसे कम होगी सबसे ऊपर होगी, और जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में वैल्यू लिखी हुई होगी। अब चूंकि मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किन्हीं दो सिटीज़ के बीच की यू नो जो डिस्टेंस है उसको होल्ड करता है, तो ये वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं की। ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी, हमारी पाइथागोरस थ्योरम का जो हमने यूज़ किया था वही हमको क्या कर रही थी कि टू डिफरेंट पोजिशन, टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट के बीच की जो डिस्टेंस उसको कैलकुलेट करने का काम कर रही थी। तो पहले हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलिए इसके लिए कोड लिख लेते हैं। तो ये जो कोड है वो है यू नो सबसे पहले तो यहाँ आइए, ये जो मैंने आपसे कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी जो हर एक इंडिविजुअल दो सिटी, पेयर ऑफ सिटीज़ हैं उनकी जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है
वो उसी हमारे जो फिटनेस फंक्शन जो हमने वहाँ डिस्कस किया था डिस्टेंस कैलकुलेशन फंक्शन, उसी से कैलकुलेट होकर यहाँ पे स्टोर हो रही है। एक्चुअल में ये हमारा फिटनेस फंक्शन भी है, क्योंकि फिटनेस फंक्शन भी यहाँ क्या कॉल होगा, हमारा एम तो यही है ना कि किसी सोल्यूशन को फिट तो तभी कहेंगे जब हमको ये पता होगी कि जो हर एक सोल्यूशन की ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी जिस टूर की वही हमारा सोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। तो दैट्स वे ये फिटनेस फंक्शन भी हो गए। तो फिटनेस फंक्शन में आपने देखा क्या किया कि पहले तो हर पेयर ऑफ सिटीज़ की आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की, और फिर आपने ये कैलकुलेट डिस्टेंस नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, जिससे तो आपको क्या मिल गया, हर एक इंडिविजुअल सोल्यूशन की जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो आपको मिल गई। इस तरीके से अगर हमारे पास में 20 पॉपुलेशन है, सॉरी जो पॉपुलेशन की साइज 20 है, यानी इसमें अगर 20 इंडिविजुअल्स हैं, तो हर एक इंडिविजुअल की डिस्टेंस कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगी, और वो डिस्टेंस आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी। इट मीन्स यहाँ से आपको फिटनेस वैल्यू सबकी मिल गई। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी मोस्ट फिटेड होगा, सबसे ऊपर होगा, और जो उससे वैल्यू जिसकी यू नो फिटनेस वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में आपको मिलते जाएंगे इस तरीके से। तो ये फिटनेस फंक्शन हो गया जो कि हर एक इंडिविजुअल सोल्यूशन की फिटनेस कैलकुलेट करने का काम करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, चलिए फिटनेस भी कैलकुलेट हो गई, अब ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस क्या होता है, सिलेक्शन। तो दैट्स अब हम सिलेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। सिलेक्शन ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था, यहाँ रोलेट व्हील यूज़ किया है, तो दैट्स वाई रोलेट व्हील का अपन कोडिंग लिख लेते हैं। तो ये रोलेट व्हील की कोडिंग है यहाँ पे। तो रोलेट व्हील का काम क्या है एक्चुअल में, सेलेक्ट करना। अभी हमने क्या की कि जो हमारी पॉपुलेशन थी 20 इंडिविजुअल्स की, उसमें से हमने सबकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब रोलेट व्हील का काम है सेलेक्ट करना, तो उसमें से वो टॉप 10 को सेलेक्ट कर लेगा, जो टॉप 10 है उनको सेलेक्ट करेगा। टॉप 10 सेलेक्ट करने के बाद में वो पाँच पाँच का ग्रुप बना देगा। इसका काम यहाँ पे जो हो पाँच का ग्रुप बना देना। तो पहले पाँच पहले में आ जाएंगे, पेरेंट वन में आ जाएंगे पहले पाँच पेरेंट्स, और दूसरे पाँच जो होंगे वो दूसरे हाफ़ में चले जाएंगे। तो एक हाफ़ में हो गए फर्स्ट फाइव, दूसरे हाफ़ में नेक्स्ट फाइव, उनमें से एक एक करके वो पहले हाफ़ में से एक सोल्यूशन को उठाएगा, एक क्रोमोसोम को पिक करेगा, इसी तरीके से दूसरे में से एक क्रोमोसोम को पिक करेगा, और उन दोनों की आपस में मैटिंग परफॉर्म करेगा। वो तो खैर इसका सिलेक्शन का काम है। तो इसने टॉप 10 में को सेलेक्ट किया, टॉप 10 में से फाइव फाइव का ग्रुप बना दिया। फाइव में से अब आगे का जो टास्क होगा, तो उसमें से एक एक करके एक को पहले पेरेंट को दे दिया, और दूसरे ग्रुप में से एक पहली वैल्यू को पहले क्रोमोसोम को पेरेंट टू को दे दिया। तो यहाँ पे पेरेंट वन क्रिएट हो गया, पेरेंट टू क्रिएट हो गया। ये है हमारा रोलेट व्हील का ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पेरेंट वन क्रिएट हुआ एक ग्रुप में से, और दूसरे ग्रुप में से एक पेरेंट टू क्रिएट हुआ, तो उसके लिए हमने यहाँ फंक्शन यूज़ किया हुआ है क्रिएट पेरेंट्स। तो क्रिएट पेरेंट्स ये कैसे काम कर रहा है, तो इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसे रन करके देख लें कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। ओके यस ऑफ कोर्स। तो नाउ अब अपन क्रिएट पेरेंट के कोड पे जाते हैं। तो ये है पेरेंट, क्रिएट पेरेंट का कोड। क्रिएट पेरेंट कैसे हो रहा है कि जो आपके एक एक करके यहाँ पे पहली वैल्यू को इसने एक तो इग्नोर कर दिया है रेंज फाइव में। रेंज फाइव इट मीन्स क्या है कि पहले पांच में से एक पेरेंट को उठाया, उसने पेरेंट वन को दे दिया। दोबारा जब ये कॉल हुआ तो दूसरे पांच का जो ग्रुप था उसमें से एक पूरे सॉल्यूशन को उठाया और एक दूसरे पेरेंट को दे दिया। इस प्रकार से ये टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब सिलेक्शन तो हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद में अगला जो टास्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रॉस ओवर ऑपरेशन और म्यूटेशन ऑपरेशन। तो दैट्स वे अब अपन उसका एक एक करके कोड लिख लेते हैं। इसको रन कर लेते हैं पहले। ओके एवरीथिंग इज ओके नाउ। ओके ये हमने म्यूटेशन ऑपरेशन का कोड लिखा हुआ है। म्यूटेशन इसके बारे में तो डिस्कशन मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन के दौरान किया था कि यहाँ पे काम क्या होगा कि कोई भी दो रैंडम पोजीशन किसी एक क्रोमोसोम में से फाइंड आउट करेगा, एक रैंडम पोजीशन दूसरी रैंडम पोजीशन, और उन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इस पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे ऑक्सिलरी वन पे, यहाँ की वैल्यू ऑक्सिलरी टू पे जा रही है, और फिर बाद में यही वैल्यू आपस में स्वैप होकर स्टोर हो जा रही हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ बिट का अपन ने यूज़ किया है म्यूटेशन में। अब अपन सीधे आ जाते हैं क्रॉस ओवर ऑपरेशन में। एक्चुअल में ये म्यूटेशन मैंने पहले इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि क्रॉस ओवर ऑपरेशन के जस्ट बाद में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने पहले यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब क्रॉस ओवर ऑपरेशन के बाद में हम इसको म्यूटेशन को कॉल कर लेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग ऑफ क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। लेट्स रन इट बिफोर। ओके फाइन। सो हेयर इट इज़ द कोड ऑफ तो यहाँ पे जो साइकिल है, ये जो फंक्शन है, वो तीन काम करेगा। सबसे पहला काम तो है उसका क्रॉस ओवर ऑपरेशन परफॉर्म करना, दूसरा काम है म्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना, और तीसरा काम है जो नई पॉपुलेशन जनरेट हुई है, जो नए चिल्ड्रन जनरेट हुए हैं एक्चुअल में,
उसको जो पुरानी पॉपुलेशन है उसके साथ ऐड करना। ठीक है, तो एक एक करके एक काम करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा क्रॉसओवर करना। तो क्रॉसओवर ऑपरेशन के लिए सबसे पहला काम तो क्या है हमें, कि हमें दो पेरेंट्स जो हमने लिए हैं उन दो पेरेंट्स का वो पॉइंट फाइंड आउट करना, जहाँ के बाद के सारे एलिमेंट को हम आपस में दोनों पेरेंट में आपस में स्वैपिंग कर देंगे। यही तो क्रॉसओवर ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम वो रैंडम पॉइंट ढूंढते हैं इस फंक्शन के थ्रू। इस फंक्शन का काम है एक रैंडम पॉइंट जनरेट करना, और वो जो रैंडम पॉइंट है, वो जो रैंडम इंडेक्स जनरेट हुआ है, उसको हमने यूज्ड इंडेक्स में ले लिया, यानी कि जो ऑलरेडी जिस पॉइंट पे हमने क्रॉसओवर परफॉर्म कर दिया उसको हम होल्ड करते चले जाएंगे। उसका क्या पर्पस है अपन बाद में बात करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले दो चाइल्ड लिए, चाइल्ड वन बनाया और एक चाइल्ड टू बनाया। हालांकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ था। इसमें हमने उठा के सारी की सारी पॉपुलेशन कॉपी कर दी। अब उस पॉपुलेशन को कॉपी करने के बाद में हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा रैंडम इंडेक्स पॉइंट वाली वैल्यू थी उसको हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाला, पहले चाइल्ड की, और दूसरे चाइल्ड की जो वो जो इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू थी उसको हमने दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया। अब हमने क्या किया, चाइल्ड वन में हमने जस्ट स्वैपिंग मार दी। देखिए आपने कि चाइल्ड वन की वैल्यू हमने जो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को ऑक्सिलरी वन में लिया था, लेकिन यहाँ स्टोर हम किसको कर रहे हैं, हम वैल्यू टू को कर रहे हैं। इसी प्रकार से चाइल्ड टू में हम वैल्यू वन को कर रहे हैं, तो हमने स्वैपिंग कर दी। अच्छा, एक बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि जब हम क्रॉस ओवर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी पॉइंट से, तो उसके पहले की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से चाइल्ड में प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि जब हम क्रॉस ओवर करें, यानी कि हम जब दूसरे चाइल्ड पेरेंट की वैल्यू को पहले पेरेंट में जब स्वैपिंग करते हैं, तो कोई वैल्यू पहले से एग्जिस्ट हो, कोई सिटी पहले से एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो पार्ट पूरा का पूरा पहले से है। तो दैट्स वाई हो सकता है कॉपी करने के दौरान जब हमने कॉपी की है तो कोई वैल्यू रिपीट कर जाए हमारे सोल्यूशन स्पेस में, टूर में। तो दैट्स वाई इसके लिए हमने ये चेकिंग कंडीशन लगाई हैज़ डुप्लीसिटी। अगर डुप्लीकेसी है तो उस पोजीशन की वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा। अगर डुप्लीकेट कर रही कोई वैल्यू, सपोज दैट कि हमारे एक सोल्यूशन स्पेस में पहले से जो फर्स्ट हाफ है उसमें टू सेकंड नंबर वाली सिटी है, अब दोबारा जो हम रेस्ट ऑफ द पार्ट जो पेरेंट टू से कॉपी कर रहे हैं पेरेंट वन में, हो सकता है उसमें भी सिटी टू हो, तो सिटी टू तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो दैट्स वाई क्या है ये सिटी टू वापस कॉपी वहाँ नहीं होगी। तो ये जो फंक्शन है इसका काम यही है डुप्लीकेसी को चेक करना। अभी इस फंक्शन की डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है, इस फंक्शन की डेफिनेशन को हमें लिखना पड़ेगा। तो फिर इसी तरीके से ओवरऑल इसका काम है डुप्लीकेसी चेक करना। और ये जो हमारा है फंक्शन है, जो एरे है, फाइनली हमारा इन दोनों के बाद में अपेंड करने के बाद में बार बार अपेंड होते जाएंगे। डुप्लीकेसी नहीं है तो स्वैपिंग हो जाएगी, अगर है तो स्वैपिंग नहीं होगी, और फाइनली हमारे पास में दो चिल्ड्रन मिल जाएंगे, चिल्ड्रन वन और चिल्ड्रन टू। इस तरीके से हमारे पास में दो चिल्ड्रन मिल जाएंगे इस ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद में, क्रॉस ओवर के बाद में। तो अभी हमको ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, इस बात पर हम ध्यान देंगे, चूंकि अभी हमने लिखी नहीं, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी एरर आ जाएगी। फिर इसके बाद में जब हमारे पास में दो चिल्ड्रन मिल गए, तो अब हमको क्या करना है, म्यूटेशन परफॉर्म करना है उन्हीं चिल्ड्रंस पे। तो हमने म्यूटेशन टास्क परफॉर्म करेंगे। म्यूटेशन टास्क परफॉर्म करने के बाद में ओवरऑल तीसरा स्टेप क्या था कि अब मेन पॉपुलेशन फिर से जनरेट करना। तो देखो यहाँ पे जब हमने सेलेक्शन ऑपरेशन किया था तो हमने केवल 10 लिए थे, पाँच पाँच का ग्रुप लिया था। यानी कि जब हम पाँच पाँच का दो ग्रुप लिए हैं तो हमारे पास में जो ओवरऑल चाइल्ड जनरेट होंगे वो टोटल 10 चाइल्ड ही जनरेट होंगे। पॉपुलेशन की साइज़ कितनी है, 20। यानी कि हमारी ओवरऑल जो मेन पॉपुलेशन थी उसमें 20 क्रोमोसोम पहले से थे। अभी सेलेक्शन के बाद में 10 बेस्ट हमने निकाले, उसमें से पाँच पाँच का ग्रुप बनाया, उनका चाइल्ड जनरेट किया, और चाइल्ड जनरेट करने पर हमें 10 चाइल्ड अलग से मिल गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्टार्टिंग जो 10 हैं क्रोमोजोम है, जो सोल्यूशंस हैं, उनको हम जो पहले वाले हैं पहली पॉपुलेशन में से उसी उन्हीं को रखेंगे, और जो बाद के जो 10 हैं वो हम ये जो नए अभी चाइल्ड जनरेट किए हैं उनमें से रखेंगे। तो दैट्स वाई हमने क्या किया कि सबसे पहले एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल लिया और उसमें हमने इनिशियल पॉपुलेशन को कॉपी कर दिया। इसके बाद में हमने मेन पॉपुलेशन में जो हमारे पास में एरे था उसमें हमने स्टार्टिंग की 10 वैल्यू को उठा के यहाँ से कॉपी कर लिया, रेंज 10 तक हमने, और जो बाद की 10 वैल्यूज़ थी उनमें से हमने जो चिल्ड्रन जनरेट किए थे उन चिल्ड्रन को उठा के कॉपी कर दिए। तो इस प्रकार से 10 पहले के आ गए और 10 अभी के जो चाइल्ड जनरेट हुए जो मोस्ट वेटेड थे। तो इस तरीके से जो हमने टोटल पॉपुलेशन है, वंस अगेन हमने उसकी जो संख्या है वो 20 कर ली। सो दैट वॉज द एम। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा हैज़ डुप्लीसिटी वाला जो फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो इस फंक्शन को हमको पहले कहीं पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या एरर आ जाएगी। तो हम इससे पहले इसको लिख लेते हैं। ओके, सो
फाइन। तो ये डुप्लीसिटी फंक्शन हो गया हमारे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस वन तब रिटर्न करेगा जब डुप्लीकेसी नहीं आ रही हो, इट मीन्स एक सिंगल टूर में कहीं पे भी दो सिटी आपस में मैच नहीं कर रही हो तो स्वैपिंग हो जाएगी। और अगर मैचिंग कर रही होगी तो ये किस पोजीशन पे मैचिंग हो रही है तो ये वहाँ से यहाँ से वो वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, अदरवाइज माइनस वन रिटर्न करेगा अगर डुप्लीकेट वैल्यू अराइज नहीं हो रही है। तो हम इसे रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है। ओके यस ऑफ कोर्स, ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हमारे ये सारे ऑपरेशन, हमने सारे डेफिनेशन सारे डिफाइन कर लिए, सारे के सारे फंक्शंस डिफाइन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन डिज़ाइन करते हैं और मेन में हम सारे फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं और अपने रिजल्ट्स को देखते हैं कि आखिर रिज़ल्ट क्या जनरेट हो रहा है। ओके तो ये मेन फंक्शन हमारा हो गया। इस मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले जनरेट फर्स्ट पॉपुलेशन कॉल किया तो सारी पॉपुलेशन जनरेट हो जाएगी इनिशियली। देन हमने जनरेट एक्स एंड वाई फंक्शन कॉल किया जिसका काम क्या था, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को जनरेट करना। देन जनरेट टूर फंक्शन, इसका काम था टूर को जनरेट करना, इट मीन्स अगर हमने पहली सिटी से स्टार्ट किया तो लास्ट में भी पहली सिटी को अपेंड कर देना, टोटल टूर हो गया। अब हमने मिनिमम ये इटरेशन चालू किया तो हमने इटरेशन यहाँ पे 9999 हम इसको रन करेंगे, ये एग्जीक्यूशन टाइम हमारा होगा इतनी बार में। फिर हमारा काम है कि हमने फिटनेस फंक्शन कॉल किया, फिटनेस फंक्शन कॉल करके जो हर एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन की फ़िटनेस थी हमने सॉर्टेड एक्स नाम के एक एरे में स्टोर करते जाएंगे। और रोलेट व्हील फंक्शन कॉल किया सिलेक्शन के लिए। देन डू साइकिल फंक्शन, आपको ध्यान हो तो इसमें हमने क्रॉस ओवर म्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। और जब ये क्रॉस ओवर म्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में फाइनली हम जो टूर होगा वो टूर जनरेट करेंगे। और ये जो कॉस्ट बाय एग्जीक्यूशन है, इसका काम मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये क्या करेगा, हमारा प्लॉटिंग के लिए यूज़ में आएगा। देन इस तरीके से सारा ये प्रक्रिया तब तक रिपीट होगी 9999 टाइम्स पे। इसके बाद में जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल जो हमारे पास में बेस्ट फिट होगा, जो बेस्ट फिटनेस वैल्यू होगी, बेस्ट फिटेड वैल्यू होगी, वो हमारी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे और हम उसी को यहाँ डिस्प्ले करा लेंगे। तो सबसे पहले मैं टोटल पॉपुलेशन बताऊँगा कितनी थी, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये डिस्प्ले करा लेंगे। देन नंबर नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी थी, तो ऑब्वियसली 20 डिस्प्ले करेगा। देन ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट, यानी कि जो हमारा बेस्ट सोल्यूशन आया है उसकी कॉस्ट कितनी, यानी जो ओवरऑल डिस्टेंस है वही टोटल हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट कहलाएगी यहाँ पे। और जो बेस्ट रूट है, आखिर वो किन सिटीज़ को विजिट करके सेल्समैन ने जो बेस्ट कॉस्ट निकली हुई है, बेस्ट डिस्टेंस है वो मिली है, वो देखेंगे अपन। फिर ये प्लॉटिंग के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है। इस प्लॉटिंग में अभी जब ये जनरेट होगा तब मैं बताऊँगा। यहाँ टू टाइप का प्लॉट होगा, पहले प्लॉट पे हम देखेंगे कि जो टूर है उस टूर को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा प्लॉट हमारी जो जो कॉस्ट वैल्यू चेंज हो रही है उसकी चेंजेस को दिखाएगा। और यहाँ पे अब हम मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, चलिए रन करते हैं इसको। सो हियर इज़ आवर रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट जनरेट हुआ। टोटल पॉपुलेशन थी 20, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी 5% हमने ली थी, नंबर ऑफ सिटीज़ 20 थी, ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट जो आई है 3.8248 आई है, और बेस्ट रूट जो है वो बेस्ट रूट है कि सेल्समैन 20th सिटी से पहले 9th सिटी, देन 14th सिटी, देन 8, 7, 12, 6, 1, 11, 18, 5 टू 17, 17 टू सेकेंड, सेकेंड टू फोर्थ, फोर से 13, 13 से 10, 10 से 16, 16 से 15, 15 से 3 या 3 से 19, एंड ओवरऑल ऑब्वियस है 19 के बाद में वापस 20 पे आ जाएगा। इस प्रकार से अगर वो सिटी विजिट करेगा तो बेस्ट कॉस्ट यानी बेस्ट डिस्टेंस जो उसको मिलेगी मिनिमम डिस्टेंस के साथ में सारी सिटीज़ को कवर कर पाएगा। सो हियर इट इज़ पहला जो डायग्राम है वो आपको पाथ बता रहा है, ये सारी कोऑर्डिनेट पोजीशन है सारी अलग अलग सिटीज़ की, और ये आपको वो पाथ दिखा रहा है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए सेल्समैन ऑल सिटीज़ को कवर कर रहा है। यहाँ पे जो दूसरा ग्राफ है आप इसको देख सकते हैं, जो दूसरा ग्राफ है वो आपको बता रहा है कॉस्ट में चेंजेस किस हिसाब से हुए। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो है नीचे एक्स एक्सिस वो एक्चुअली नंबर ऑफ़ इटरेशन को बता रहा है। तो जो नंबर ऑफ़ इटरेशन है आपकी, अगर देखो आप तो देखा जाए तो ये कुछ बीच का पॉइंट है, थाउजेंड थाउजेंड स्टेप तक तो वो चेंजेस हुई हैं, यहाँ वैल्यूज़ ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं, यानी कि कॉस्ट में चेंजेस आ रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, थाउजेंड इटरेशन के बाद में देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ दिख रही है, इट मीन्स जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी फिटनेस वैल्यू, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हुआ। तो दैट्स वाई अगर हम इससे हमें ये भी नॉलेज मिलता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को थाउजेंड टाइम भी चलाए होते तो हमारा हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता, उसके लिए हमको इतने 9999 टाइम्स चलाने की ज़रूरत नहीं थी।
तो इस तरीके से हमने ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को जेनेटिक एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने जो बेस्ट पॉसिबल रूट था वो फाइंड आउट करने की कोशिश की यहाँ पे। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वारी यू कैन ड्रॉप मी योर क्वेश्चन। थैंक यू एवरी वन।